हे गाइस, मैं श्रुति गुप्ता, श्रुतिज किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस एक ऐसा जूस है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चुकंदर, 2 इंच के 2 छोटे टुकड़े अदरक, 1 नींबू, काला नमक और भुंजा हुआ जीरा चाहिए। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चुकंदर को छील लेना है। क्या आपको पता है कि चुकंदर का सेवन करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? चुकंदर का जूस पीने से हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है और यह हेल्दी वजन को मेंटेन करने में मदद करता है। यह कैंसर को रोकने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, पोटेशियम से भरपूर होता है और मिनरल से भरपूर होता है। अब हमें चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अभी मैंने यहाँ पे चुकंदर को काट लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े अदरक के भी डालेंगे। अब इसे हम एक ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेंगे। चुकंदर में नेचुरल शुगर होती है जो बीपी को कंट्रोल करने में सहायता करता है। चुकंदर विटामिन बी, विटामिन सी, फॉस्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का एक बढ़िया और भरपूर स्रोत होता है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वह खून को साफ करने में मदद करता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप डेली चुकंदर का जूस खाली पेट सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर किया जा सकता है, एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है। चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन भी पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है। अब हमें चुकंदर को इसे छान लेना है। इसे छानने के लिए आप बड़ी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से इसे छान लेना है। चुकंदर में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही काफ़ी अच्छे कारगर होते हैं। यह हमारे बालों को भी काफ़ी नेचुरल और अच्छी ग्रोथ देता है। चुकंदर से सिर के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं और त्वचा पर हमारे निखार इसलिए आता है क्योंकि इसके लगाने से हमारे डेड सेल्स खुल जाते हैं। अभी हमने देखे चुकंदर का जूस निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम उसी तरह से फिर से छान लेंगे। देखिए पूरा चुकंदर का जूस निकल आया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए तैयार हैं। अब हम इसे सर्विंग ग्लास में डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, ऐड करेंगे और हमारा चुकंदर का जूस बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपसे इसे क्या क्या फ़ायदे मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।